जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। आज दोस्तों मैं आया हूँ आपके लिए 1600 मीटर पर पांचवी वीडियो लेकर। अब तक मैं चार वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, इजी रन, इंटरवल रन, टेम्पो रन, स्पीड रन, और आज मैं कवर करूँगा लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। लॉन्ग स्लो डिस्टेंस दोस्तों होती क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूँगा। ये होती है आपके वीकली माइलेज की 25 से 30%, और आपका वीकली माइलेज बैठता है एज़ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम 25 किलोमीटर के आसपास। तो आपको लॉन्ग स्लो डिस्टेंस करना पड़ेगा 7 से 8 किलोमीटर। अब दोस्तों ध्यान से सुने, ये 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको पूरा करना है 50 मिनट में। 50 मिनट मतलब बिल्कुल ही स्लो आपको ये रनिंग पूरी करनी है। हम हर रोज़ एक जैसी रनिंग नहीं करते हैं, हर रनिंग का एक अलग अलग इफ़ेक्ट होता है, जो कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि इजी रन का क्या इफ़ेक्ट होता है, इंटरवल रन का क्या इफ़ेक्ट होता है, टेम्पो रन का क्या इफ़ेक्ट होता है, और स्पीड रन का क्या हमारी मसल्स के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। हर एक रनिंग प्रोग्राम का अपना अपना अलग महत्व है। किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपको मिस नहीं करना है, इसीलिए मैंने 5 अलग अलग वीडियोस आपके लिए बनाई हैं। 1600 मीटर की ट्रेनिंग के लिए आपको ये पांचों ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करने होंगे अगर आपको टाइमिंग 4:30 से 5 मिनट लाना है। तो दोस्तों लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रनिंग के 5 मुख्य फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, आपकी रनिंग मैकेनिज्म इम्प्रूव होती है, हमारा स्ट्राइड लेंथ, रनिंग पोस्चर इम्प्रूव होता है, क्योंकि आपकी स्पीड इसमें बहुत स्लो रहती है, आपकी स्ट्राइड लेंथ और रनिंग पोस्चर को आप इजीली करेक्ट कर सकते हो और अपनी लैंडिंग के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। अब आप ये पूछेंगे, सर कि स्लो डिस्टेंस रनिंग किस स्पीड में होनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपने दोस्तों से आराम से बात कर सकें, आपका सांस ना फूले, ऐसी स्पीड स्लो डिस्टेंस रनिंग में की जाती है। एक बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रनिंग कभी भी फास्ट नहीं करनी है। दूसरा फ़ायदा दोस्तों, आपके जो मेजर मसल ग्रुप हैं उनको स्ट्रेंथनिंग होने में ये रनिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेग की सारी मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट 1 या 2 वीक में नहीं मिलेगा, कम से कम आपको इसके रिजल्ट के लिए 4 से 6 वीक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तीसरा फ़ायदा दोस्तों, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस से आपका कार्डियो, मस्कुलर और रेस्पिरेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा फ़ायदा दोस्तों, आपके लिगामेंट, टेंडेंस, बोन और जॉइंट को ये स्लो डिस्टेंस रनिंग स्ट्रेंथनिंग करती है। जब भी हम स्पीड रन करते हैं उसके लिए आपके जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि आपकी कोई इंजरी ना हो। पांचवा फ़ायदा दोस्तों, स्पीड रन में हमारी बॉडी प्राइमरी एनर्जी ग्लाइकोजिन को बर्न करती है, जबकि स्लो रनिंग में हमेशा फैट मतलब सेकेंडरी फ्यूल जो होता है उसको बर्न करना शुरू करती है, क्योंकि आपकी स्पीड भी बहुत स्लो होती है और आपको बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रन करना होता है, क्योंकि इसमें आप 50 मिनट से ज़्यादा रन करते हो और लंबे समय तक ट्रैक पे अपना समय बिताते हो। रनिंग के बाद दोस्तों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना ना भूलें, ये है दोस्तों शीर्षासन। अगर आपको नहीं करना आता है तो आप शीर्षासन करना सीख लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में दोस्तों अर्धचक्रासन,
और यहीं से हम चले जाएंगे अधोमुख शवासन में, और यहीं से हैंड से राइट पैर को टच करना है और राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करना है। और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही काम की है, आपके पूरे काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग पुल होती है। ये है दोस्तों उत्थित हस्त पदांगोष्ठासन। इस आसन में दोस्तों अपने हैंड और टो को एक्सटेंड किया जाता है, इसमें आप दोनों पैर से आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये है दोस्तों पद्मासन। पद्मासन में जाके आप अपने आप को पूरा लिफ्ट कर सकते हैं, और यहीं से हम जाएंगे अनंतासन में। अपने पैरों को स्ट्रेच करना है, बिल्कुल सीधा आपका पैर होना चाहिए, वही हाथ और वही पैर रहेगा, अपने टो को अपने हाथ से स्ट्रेच करना है। ये देखिए, ये भी आप बिल्कुल स्ट्रेट आप पैर को रखिए, दूसरा पैर भी सीधा हो जाएगा। और ये है दोस्तों अनंतासन। यहीं से आप वापस से आइए, आप दूसरे पैर से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट दोनों पैर 90 डिग्री प्लस हैं। ये है दोस्तों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और कौन कौन सी वीडियोज़ हेल्थ के लिए चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।